ओम नमः शिवाय। दोस्तों दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आपको कोरोना वायरस से संबंधित या किसी भी वायरस से संबंधित आपके शरीर में सर्दी जुकाम खांसी आ रही है और कफ जम गया है, बलगम बहुत अधिक मात्रा में जमा हुआ है, तो आपको ये उपाय घर में ज़रूर करना चाहिए। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसमें बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और आप बिल्कुल भी बाहर की कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी सेवन करना बंद कर दें। जितना हो सके गुनगुना पानी, गर्म पानी ही सेवन करें। तो दोस्तों अगर आपको भी बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है आपके फेफड़ों में, तो उसको निकालना शरीर से बाहर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आगे जाके फेफड़ों को डैमेज कर देता है बलगम आपका, जिससे सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो दोस्तों उससे पहले ही आप ये उपाय करें, और बहुत आसानी से आप घर बैठे इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से कुछ टिप्स अपनाने हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से आप लिख लीजिए और उनको अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये बताएं। किसी को भी अगर समस्या हो या आपके आस पड़ोस किसी को भी समस्या है, तो उसको ये बताएं। आपको दोस्तों क्या करना है, अदरक जिंजर जिंजर लेके आनी है मार्केट से। अदरक को लेके आना है और उसका आपको अपने अंगूठे के बराबर, जितना आपका अंगूठा है उतना ही अंगूठे के बराबर उसको उसका टुकड़ा कर लेना है, और उसको हल्का सा आग में सेकना है। दोस्तों हल्का सा, थोड़ा सा मामूली मात्र आग में उसको सेकना है। और उसको करना क्या है, फिर उसके बाद आपको उसको शहद जो होता है, हनी, उसको लेना है। अब उस हनी को शहद में आपको जो अदरक आपने हल्की सी तवे पे सेकी थी, भुनी थी, उसको थोड़ा सा हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। उसको जिसको बलगन जमा हुआ है उसको देना है। दिन में कम से कम आपको 4 बार उसको देना है। और उस व्यक्ति को क्या करना है, उस अदरक को टुकड़े को अंगूठे के बराबर जो अदरक थी उसको सेंका था, उसमें शहद लगाकर मुंह में हल्के से हल्के चूसना है, उसका रस जो है धीरे धीरे चूसना है। ये प्रक्रिया उस व्यक्ति को कम से कम 4 बार दिन में दोहरानी है, 4 बार करना है। और उसके बाद एक इससे क्या होगा, आपके फेफड़ों में जमा हुआ बलगम सारा निकल जाएगा, और आपको जो सांस लेने की समस्या है उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरा आपको जो उपाय है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, और अगर आपके आसपास कोई भी किसी को भी वो समस्या है तो उसको आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिससे वो व्यक्ति करके और आसानी से वो ठीक हो सके। दूसरे नंबर पे आपको जो है उसको हल्दी लेना है, हल्दी को, और हल्दी को भी उतना ही लेना है जितना आपने जिंजर के टुकड़े को लिया था। आपको अंगूठे के बराबर अपने आपका जितना भी अंगूठा है उतना ही अंगूठे के बराबर, जितने में नाखून होता है उतना टुकड़ा आपको लेना है हल्दी का, और उसको दिन में 3 से 4 बार भूनी हल्दी को हल्का सा भून लेना है। और उसको हल्का सा भूनने के बाद फिर 3 से 4 बार उसको भी चबा चबा कर चबाना है और चूसना है उसका, उस टुकड़े को हल्दी के। ये दोनों प्रक्रिया आपको 3 से 4 बार करनी है, आपको अदरक की भी और हल्दी की भी। इससे आपके फेफड़ों में जमा हुआ सारा बलगम, कफ खांसी जो भी है, वो सब जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्दी ही आराम मिलेगा। हल्दी आपका सारे विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, जो भी वायरल फीवर होगा, वायरस होगा, वो बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है, और आपकी इम्यूनो सिस्टम को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है हल्दी। तो आप हल्दी का सेवन भी 3 से 4 बार करना है, और हल्की भूनने के बाद उसको धीरे धीरे से चबा चबा कर चूसना है। तो इसको जितना हो सकता है आप अपने आस पास मित्रों को, सभी को इसको शेयर करें, ताकि ये आसानी से सभी लोगों तक इस उपाय को पहुंचाया जा सके।
और आपको बिल्कुल भी परेशान। इस उपाय को करके आप आसानी से अपने फेफड़ों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं और बलगम खांसी की समस्या से छुटकारा बहुत आसानी से पा सकेंगे। किसी भी तरह का आपका वायरल फीवर हो या वायरस से संबंधित समस्या हो तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। थैंक यू।